Failing to plan is planning to fail. And that is absolutely true when you are going to learn a foreign language. किसी भी foreign language को सीखने से पहले, you need to plan ahead and make sure that you have the right strategies. तो इस वीडियो में मैं आपको चार important चीजें बताने वाला हूँ before learning any foreign language. So the first point is कि आप foreign language क्यों सीख रहे हैं? Your reason may be a job, a business trip, or something like you love traveling or you love chatting with the local people. Whatever your motivation is, आपको उस reason को एक paper पर लिखना है और उसको अपने घर की fridge पे, desk पे, हर उस जगह पे लगा देना है जहाँ पर आप उसको regularly watch कर सको. ये आपके लिए एक reminder के रूप में काम करेगा और आपको motivated रखेगा जब भी आप struggle करोगे. Invisible script, यानी कि एक ना दिखने वाली एक ऐसी चीज जिसके लिए हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज इसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में बहुत गहरा होता है और ये हमें उस काम को करने से रोकने के लिए लगातार पुश करता रहता है. तो ऐसे में लोग उन मिथ्स को मान लेते हैं जो मिथ्स बिल्कुल भी सच नहीं है. लेट सी सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मिथ्स अबाउट फॉरेन लैंग्वेजेस. सो मिथ नंबर वन, I'm too old to learn a foreign language. मेरी तो उम्र बहुत ज़्यादा है किसी भी foreign language को सीखने के लिए. Myth number two, only children can learn foreign languages. सिर्फ बच्चे ही foreign languages सीख सकते हैं क्योंकि उनकी grasping power बहुत तेज होती है. Myth number three, I don't have money to learn a foreign language. मेरे पास पैसा ही नहीं है foreign language सीखने के लिए. Myth number four, that I have to go to that foreign country to learn a foreign language. यानी कि मुझे उस foreign country में जाना पड़ेगा foreign language सीखने के लिए. तो ये कुछ ऐसे myths हैं जो लोगों को discourage करते हैं foreign language सीखने से. That's why it's really important for you to make a list of all the invisible scripts before you start learning any foreign language. अगर आप किसी भी काम को करने से पहले उसकी डेडलाइन सेट नहीं करते हैं तो हम उस काम को टालते रहते हैं और उस काम में हम अपना रिक्वायर्ड एफर्ट्स नहीं पुट कर पाते हैं. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ डेडलाइन बिफोर लर्निंग एनी फॉरेन लैंग्वेज. अब आप ये डेडलाइन कैसे बनाएंगे? हर लैंग्वेज में कुछ लेवल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल A1, A2, B1, B2, C1, C2. अब आप अपनी डेडलाइन कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि मुझे A2 लेवल एक साल में ख़त्म करना है या मुझे B2 लेवल दो साल में क्लियर करना है. नाउ यू नो दैट यू आर गोइंग टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज. नाउ इट्स टाइम टू मेक अ प्रॉपर प्लान टू मेक इट हैपन. एंड फॉर दैट यू नीड टू मेक स्मार्ट गोल्स. अगर आप अपना कोई एक गोल बनाते हैं कि मैं एक साल में किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में फ्लुएंट हो सकता हूँ, सो आई डोंट थिंक दैट यू विल गेट सक्सेस. व्हाई? बिकॉज आपका जो गोल है वो स्मार्ट गोल की कैटेगरी में नहीं आता है. नाउ व्हाट आर स्मार्ट गोल्स? सो एज यू कैन सी इन द इमेज, स्मार्ट गोल्स आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड. स्मार्ट गोल्स के ऊपर यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज हैं, तो यहाँ पर उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा. तो अब ये कहने के बजाय कि मैं एक साल में इस लैंग्वेज को सीख जाऊंगा, आफ्टर सेटिंग स्मार्ट गोल्स यू विल से दैट एवरी डे आई विल डू वन लेसन फ्रॉम माय लैंग्वेज बुक ओवर द नेक्स्ट 30 डेज. तो जब आपके स्मार्ट गोल्स होते हैं तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड यू कैन ऑल्सो ट्रैक योर प्रोग्रेस.